नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्लास टेंथ के जो 2020 में जो फर्स्ट सीटिंग में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा कितना है, तो ये आपका 62 है। ठीक है ना, आप 1 से लेकर 61 तक वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं पार्ट बाय पार्ट करके, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा इसमें सॉल्व करना है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमको 10 तक पिछले वीडियो में मैं करा चुका हूँ। तो चलिए इसमें 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपको देखना है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये तो 2 नहीं हो सकता है, ये भी माइनस में है, ये भी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसमें जिस तरह से कहा जा रहा है उस तरह से इसका 3-3 ऑप्शन सही हो रहा है। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ये एक ठो गलत हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी प्रायिकता का मान जो होता है दोस्तों, 0 से 12 या बराबर, 1 से छोटा या बराबर, मतलब 0 भी हो सकता है, या 1 से, मतलब 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर, 1 से छोटा मतलब 1 भी हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, मतलब 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, और इसके बीच में जो भी अंक आए वो हो सकता है। तो ये देखिए 2 जो है 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं प्रायिकता। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए 0 से इधर आते हैं तो माइनस में आता है, 0 से बाएं साइड में अगर जाते हैं तो माइनस में आता है, तो ये तो माइनस में है, तो यानी 0 के बाएं साइड चला गया ना। लेकिन यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के दाहिने साइड वाला जो भी अंक आते हैं, ठीक है ना, दशमलव में वो होते हैं, लेकिन ये तो नहीं होंगे ना, माइनस में है, कभी नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिए 0.7 यानी 0 से लेकर यहाँ 1 के बीच में 0.7 मिलेगा इसमें, तो ये तो प्रायिकता हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे, ठीक है ना, ये भी नहीं होंगे। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप परसेंटेज को चेंज करेंगे तो 100 लगाएंगे ना, और 100 से जैसे ही भाग देंगे तो 0.15 होगा, 0.15 होगा ना, जैसे ही आप, तो ये भी हो जाएंगे ना, ये तो हो जाएंगे ना, 0 से क्या हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही 15 में हम 100 से भाग कर रहे हैं दोस्तों, तो कितना हो रहा है, 0.15 हो रहा है, यानी इसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी हो जाएंगे। तो इसमें आपका 2-2 ऑप्शन नहीं होने वाले आंसर है, इसका 2-2 आंसर हो रहे हैं। क्यों भाई? तो इसमें 2-2 आंसर सही हो जा रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से आंसर सही हो जा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है, नहीं है प्रायिकता, नहीं है, कौन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें 2-2 आंसर हो रहे हैं इसका, ठीक है ना, और ये दोनों नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं कि सबसे छोटी, क्या बोला गया है दोस्तों, कि सबसे छोटी भाज संख्या और सबसे छोटी भाज संख्या और छोटी अभाज संख्या का मौसम। तो चलिए देखिए इसका आंसर कैसे हम देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटी भाज संख्या जो दोस्तों होता है, 4 से स्टार्ट होता है भाज संख्या। क्यों भाई? क्योंकि 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, इसलिए इसको भाज संख्या 4 से ही स्टार्ट होता है, और सबसे छोटी अभाज संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होती है अभाज संख्या, ठीक है ना, 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5 ऐसे बढ़ते जाता है, और अब और भाज संख्या जो दोस्तों 4 से स्टार्ट होती है, 4, 6, 8 इस तरह से बढ़ते जाता है, ठीक है ना, तो ये होता है। तो सबसे छोटी अभाज संख्या 2 हो गया, सबसे छोटी भाज संख्या 4 हो गया, तो इन दोनों का मौसम पूछ रहा है। तो इसमें देखिएगा तो 2×2 आएगा, इस 2 को तोड़ेंगे तो 2 से नहीं तो 1 से, यानी मौसम दोनों में क्या मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है, यानी मौसम इसका क्या हो गया दोस्तों, 2 आ रहा है, तो इसका आंसर यही 2 आएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एक धातु का घन जिसका भुजा कितना 1 cm और खींच करके 4 mm व्यास वाले क्या बनाया गया, एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई निकालना है, यानी कि एक क्या था, घन था, इस घन को कौन किस चीज़ में बदला जा रहा है, बेलन में। तार कैसा होता है, बेलनाकार होता है ना, बेलन में बदला जा रहा है, जिसका इसका व्यास दिया है 4 mm। देखिए तो देखिए हमने क्या किया,
एक जो दिया था ना घन, इसका भुजा एक दिया था, ठीक है ना, और इस ये बेलनाकार जो तार है इसका ऊंचाई यानी लंबाई को h बोल देंगे, है ना, और इसका त्रिज्या ये व्यास है, टोटल व्यास दिया था तो आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, तो चार के आधा दो से भाग करेंगे तो दो हो जाएगा, यानी 2 mm, और mm को मिलीमीटर को बदलने के लिए 10 से भाग करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये सेंटीमीटर में था ना, भुजा जो दिया था दोस्तों सेंटीमीटर में था, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। और जो जितना ये घन था उसी घनवा को पिघला करके ये तार बनाया गया है, तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन, यानी घन का आयतन एक ही हो गया, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया, इसका भुजा एक दिया था पाई एस ही छोड़ दिया गया, और आर का वैल्यू यहाँ से देखिए 2/10 काटेंगे इसको, तो देखिए इसका हाफ एक बार में, इसका हाफ पांच बार में कट गया, तो एक का स्क्वायर एक, पाँच का स्क्वायर 25, एच है तो एच, ये लंबाई इसका हो गया, यही निकालना है मुझे। तो यहाँ से एच का मान निकालेंगे दोस्तों, तो ये 25 यहाँ गुना में आ जाएगा, ये सटा है तो बटा में आ जाएगा, यानी 25/π हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा उत्तर दिख रहा है आपको, 25/π, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कहा जा रहा है कि 1 + tan² θ, तो 1 + tan² का थीटा किस क्या होता है, ये 1 + tan² θ का सूत्र होता है sec² θ, sec² θ बराबर होता है 1 + tan² θ, ठीक है। अगला सवाल, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है और बोल रहा है कि उसके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए, परिमापों का अनुपात, ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए हमने क्या किया, एक पहला त्रिभुज और दूसरा, इसका भुजाओं का अनुपात कितना था, 3:4 था ना, यानी पहले त्रिभुज का भुजा का अनुपात कितना है, 3 था, तो 3x मान लेते हैं, 3y मान लेते हैं, 3z मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज का अनुपात कितना था, 4 था ना, इसको हम 4x 4y 4z, और परिमापों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा को जोड़ देते हैं, यानी a + b + c, यानी तीनों को जोड़िएगा, यानी 3x + 3y + 3z, इसका परिमाप हो गया। इसका भी परिमाप उसी तरह से तीनों को जोड़ दीजिए, बटा में कर लीजिए, अनुपात निकालना है ना तो बटा में करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, तो अनुपात निकल जाएगा। अब यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, तो x + y + z, इसमें 4 कॉमन, तो x + y + z कट गया, तो 3:4, यानी कि इसका राइट आंसर 3:4 हो जाएगा। 3:4 कौन सा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि 2 चर x y में रैखिक समीकरण x y प्लस आपका कितना दे रहा है, (by+c = 0) कितने अधिकतम हल संभव होंगे। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन की बात करेगा, यानी कि देख रहे हैं ना, एक सरल रेखा की बात कर रहा है, तो इस पर कितना अनंत हल हो सकते हैं, कितना हल, बहुत सारे हल इस पर हो सकते हैं, अनंत, ठीक है ना, बहुत सारे, एक सीधी लाइन है तो इस पर अनंत हल हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर c, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एक समानांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। तो सिंपल देखिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये a का मान तो 1 हो जाएगा, d निकालेंगे दूसरा में से पहला, यानी d का मान कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा 3 हो जाएगा, और इधर देखिए क्या हो जाएगा, 88 क्या हो जाएगा, an का मान 88 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा पद, यानी n पूछा जा रहा है। तो देखिए एन निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, (an + a + n - 1)(d), तो एन का मान अंतिम पद कितना था, 88, ए का मान 1 दिया था ना, और (n-1) ये, तो एन का मान निकालना था डी, यानी डी का निकालना था, तो डी कैसे निकालना था आपको, डी का मान 3 निकाल बताए थे ना आपको कैसे निकालना है, तो इधर देखिए 88 हो गया, इधर देखिए ये 1 हो गया, ये 3 में एन से, तो 3n हो गया, 1 में गुना किए 3, और ये प्लस माइनस घट के आ गया कितना, -2 आ जाएगा, ये 3n ऐसे ही रह गया, ये -2 इधर आकर जुड़ गया, 90 हो गया, और 3 से भाग दे दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा, यानी (n) का मान हो गया 30, ठीक है। अगला सवाल, यानी इसका कौन सा उत्तर दिख रहा है आपको, (c) इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, ये बोल रहा है बिंदु किस पाद में है, -3 -5 किस पाद में है। तो देखिए सिंपल तरीका से आपको बताता हूँ, तो ये देखिए सिंपल तरीका से मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, तो इसमें देखते हैं इधर एक्स वाला भी प्लस वाई वाला भी प्लस होता है, यानी प्लस प्लस रहेगा तो किस पाद में, प्रथम, इधर पहले एक्स का मान लिया जाता है ना, कोई भी बिंदु जो लिया जाता है दोस्तों, एक्स का मान पहले वाई का मान बाद में, तो इधर एक्स वाला देखते हैं बाएं साइड में माइनस में होता है, तो माइनस पहले और वाई वाला बाद में, यानी प्लस, माइनस प्लस होगा तो किस पाद में, द्वितीय में, और देखिए इधर एक्स का मान तो माइनस में ही, ये वाई का मान तो माइनस में ही, यानी माइनस माइनस दर्शाएगा तो तृतीय, और इधर पहले एक्स का मान प्लस में और वाई का मान बाद में, यानी कि माइनस में,
तो जब भी दोनों माइनस की बात किया गया ना, माइनस तीन माइनस पाँच, ये दोनों माइनस की बात किया रहा है, किस पाद में है, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो इसका कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 का सोल्यूशन करेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से, उसी तरह से 2 cos² 60 डिग्री। तो देख रहे हैं 2 और cos 60 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 2 लिख दिया गया और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे ना, इसको जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और कितना हो जाएगा 1/4, इसको काटिएगा आप तो कितना में जो दो बार में, तो 1/2, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला सवाल देखते हैं। देखिए निम्न में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है 3, यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दे दिया, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा माइनस 10 दे दिया, तो बहुपद द्विघात बहुपद कौन सा होगा। तो देखिए एक सूत्र लगा देंगे हम लोग, आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन मैं यहाँ भी कर दिया हूँ। ठीक है ना, कि कैसे करना है, 60 का मान 1/2 स्क्वायर हुआ, 1/4 काटे आराम से 1/2 ना। अगला सवाल 20 नंबर, हम बताए ना कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया था 3, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा माइनस 10, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया गया और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 था, 3 x है तो x, ये अल्फा इंटू बीटा माइनस 10 है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन के घंटी को भी दबा देंगे ताकि जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा ना सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से देखेंगे और अपने एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।